कि इतनी ठंड में आप कितनी देर से खड़े हैं, और मुझे तो इतनी ठंड लग रही है कि मैंने आज वो कोट पहना है जो मैं बहुत कम पहनता हूं, लेकिन आप पे आपको दाद देता हूं कि आप माशाल्लाह इतनी सर्दी में आप यहां पर मौजूद हैं। और कल मैं यहां पे इस मरी पहुंचा, रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, हालांकि पुरानी सड़क तो ये आ रही है ना मरी की, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, उसामा तो उस वक्त छोटा होगा, इनके वालिद मोहतरम मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, भाई भी थे, और बस 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 बस, बस राजा इश्फाक सरवर साहब, और उनको मालूम है कि सबसे पहले पाकिस्तान की अगर कोई खूबसूरत तरीन मेटल रोड बनी तो वो रावलपिंडी से मरी की बनी। ये 1985 की बात है, कब की बात है, 1985 जब मैं पंजाब का वज़ीर-ए-आला बना। पंजाब का वज़ीर-ए-आला बन के सबसे पहला मंसूबा कौन सा था, रावलपिंडी से मरी एक खूबसूरत तरीन मेटल रोड। उससे पहले देखे, मैं मरी बहुत देर से आ रहा हूं, मरी मेरा दूसरा घर है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे मरी, और मरी के लोग भी बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। ये दिल से बातें निकल रही हैं, दिल से, मैं दिल से कह रहा हूं, आपसे मुझे बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और उन्नीस सौ पचास में 1949 दिसंबर में मैं पैदा हुआ। 1950 समझ लें, 1950 में पैदा हुआ, तो 1956 में 1956 में पहली मरतबा मरी आया। अंदाजा करें कि कितने साल हो गए आज मरी आते हुए, और मरी आके रहता था मैं, और इतना कहीं नहीं रहा लाहौर के बाद जितना मैं मरी में रहा हूं। तो ये सड़कें जो जो इस वक्त भरी हुई है माशाल्लाह, सब मुझे, मैं जानता हूं, मुझे पैदल ले जाएं या लोअर माल पे ले जाएं, मैं आपको रास्ते बताऊंगा। मुझे वो तू अपनी जात से बाला पर जो वो ही लीडर अपना है। मुझे बता रहे हैं, अब बताया कि ये अभी लोग बहुत आ रहे हैं, और बिलाल यामीन साहब नीचे खड़े हैं, उसको किसी जमाने में एजेंटी कहते थे, एजेंटी, याद है आपको, ये नहीं याद है, बोलो, उसको एजेंटी भी कहते थे, एजेंसी भी कहते थे, जहां जीटीएस की बसें आके रुकती थीं, जहां पिंडी मरी ट्रांसपोर्ट की बसें आके रुकती थीं, जहां मरी हिल ट्रांसपोर्ट की बसें आके रुकती थीं, और कौन सी ट्रांसपोर्ट थी, हाँ, ये बसें थी जो मैं आज तक मुझे याद है, वो वहां पे रुकती थी। कहते हैं कि बिलाल यामीन सती साहब जो हैं, वो और उनका जो पूरा कारवान है वो वहां रुका हुआ है, तो वो अभी पहुंच नहीं पाया यहाँ पे। तो मुझे कोई बताए, मुझे ये तो पहले बताए, अगर वो यहाँ पे आ गए तो वो कहाँ खड़े होंगे, यहाँ आके तो सारी जगह पुर है, ये तो फुल है, फुल महंगाई करके तुम सबको दिखलाना है। लेकिन मुझे आपका जज्बा देखें, मैं बहुत बहुत सालों के बाद आज आपसे दोबारा मुखातिब हुआ हूं, कितने साल हो गए अगर आप से पता नहीं, कितने लोग जानते होंगे, मैं बहुत सालों के बाद आज मरी आया हूं, और आपसे दूर कर दिया गया,
भाई आपने देखे ना, यहाँ नहीं वो लोग सुन रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इंशाल्लाह नारा मैं लगाऊंगा। अगर मुझे आप ये कह रहे हैं कि आई लव यू नवाज शरीफ, तो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, मैं रोज टीवी पे कहता हूँ आपको, वो आपको भी कहता हूँ टीवी पे। मतलब ये नहीं कि मैं उस जिले को कह रहा हूँ, उस शहर को कह रहा हूँ, उसमें मरी भी शामिल है, तो मैं आज खुद यहां आया हूं, कोटली भी शामिल है, तो मैं आज कह रहा हूं आपको आई लव यू टू। और मरी मरी को कह रहा हूं, मरी आई लव यू, और लोगों को कह रहा हूं आई लव यू टू। इफ यू लव मी, नवाज शरीफ ऑल्सो लव्स यू, बल्कि आपसे ज्यादा, जितना आप मुझसे प्यार करते हो उससे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन आप बस क्या कह रहे हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ, बस 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 बस, मैं ये समझ रहा हूं कि इंशाल्लाह मेरा ये भतीजा जो है, भतीजा ये जो मेरा भतीजा है ओसामा, ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा ना। पाकिस्तान को अल्लाह ताला इसके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन। और अल्लाह ताला आपके लिए यहां और सहूलतें अता फरमाए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। जब मैं वजीर आजम था तो मैं कुछ बहुत फख्र से ये बात नहीं करता, लेकिन मैं खिदमत अवाम की कर रहा था, और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। मुल्क में लोड शेडिंग थी, खात्मा किया या नहीं किया बोलो। बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो। देखो देखो भाई, बात सुनो भाई, अगर दिल आपका गवाही देता कि मैं सच बोल रहा हूं तो फिर पूरी तरह से हाथ उठा के बोलो, लोड शेडिंग खत्म की या नहीं की बोलो। बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो। मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो। रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो। आटा 35 रुपए का था या नहीं था बोलो। घी 150 रुपए का था या नहीं था बोलो। चीनी 50 रुपए की थी या नहीं थी बोलो। सब्जियां 10-10 रुपए किलो थी या नहीं थी बोलो। डॉलर 104 रुपए का था या नहीं था बोलो। पेट्रोल 65 रुपए का था लीटर या नहीं बोलो। फिर बोलो। खाद खाद जिम्मेदारों के लिए, काश्तकारों के लिए सस्ती थी या नहीं थी बोलो। ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का था ट्रैक्टर, आज 38 लाख रुपए का है। और कारें, छोटी छोटी कारें जो आम लोग भी लेते हैं, वो 4-5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलती थी, और आज कितने की मिलती है बोलो। 25-25 लाख की वो गाड़ी हो गई, उससे भी ज्यादा। तो नवाज शरीफ का जमाना अच्छा था, ये जमाना अच्छा है बोलो। सोने का रेट 50,000 रुपया तोला था, कितने का था, और आज कितने है बोलो भाई, कितने का आज? 2 लाख रुपया तोला, कहां 50,000, कहां 2 लाख रुपया। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला आपने मुझे? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है।
लगाओ पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। और मुझे तो निकाल दिया, मेरी जगह लाए किसको, किसको लाए, जिसने कहा मैं आवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कटे बच्चे वो कहां गए, वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? बोलो, बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए हैं उसमें खर्च कर दिए गए, और कहा कि जनाब हम यहां पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? बोलो जरा, बताओ किसी को मिला तो हाथ खड़ा करो। और कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है, ये देखो यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है आप में होंगे जो यूथ में आते हैं, तो हाथ खड़ा करो। ऊपर खड़ी है सर, यूथ और हाथ खड़ा करे, ऊपर वाले भी करो भाई, वो मस्जिद में जो खड़े हैं वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने भी टोपियां पहनी हुई हैं, यूथ है वो, माशाल्लाह। आप भी आप बोलो, वाह 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 आप बोलो, आप माशाल्लाह जी, सारा यूथ तो, या सब यूथ ही यूथ है यहाँ पे, कौन सी यूथ है जो उनके साथ है, बोलो यार बताओ। असल यूथ तो ये है जो मेरे सामने खड़ी है, ये है ऐसा असली कौम। इंशाल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी इंशाल्लाह। हमारा साथ दोगे ना? मरी के बारे में मुझे बताया हुआ है, कह रहे हैं कि मरी से अस्पताल भी बनना चाहिए, दान स्कूल भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैंपस भी होनी चाहिए, गैस भी आनी चाहिए, और कलर कहूटा जो है उसका अस्पताल भी बनना चाहिए यूनिवर्सिटी कहूटा और कलर के दरमियान, और उसके बाद जनरल हॉस्पिटल बनना चाहिए कोटली सतिया में, फिर उसके बाद रोडें, मैं तो कहता हूँ यार रोड लिखी हुई, यहाँ मोटरवे लिखना चाहिए था उनको। एक ये पुरानी सड़क आ रही है, एक ये बीच में एक्सप्रेस वे आ रही है, इंशाल्लाह हम एक मोटरवे भी बनाएंगे इधर से, इंशाल्लाह जो पूरे मरी के चारों तरफ मोटरवे आएगी, चारों तरफ। और मेरा मंसूबा है, और मेरा मंसूबा बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश भी है मेरी, कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद से, पिंडी से और इस्लामाबाद होते हुए मरी तक ट्रेन लेके आए, ट्रेन, और फिर ये ट्रेन या सिर्फ यहां ना रुके, आगे मुजफ्फराबाद जाए, कश्मीर तक हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद से ट्रेन बिल्ड करना चाहते हैं। बोलो, ये मंसूबा होना चाहिए नहीं होना चाहिए?